Hello friends, welcome to my channel. My name is Ankit Chhabra and today I'm here to discuss a very important topic of your class 12th ray optics. In this topic we are going to derive a relation, famous relation which is known as thin lens formula. This relation you might be knowing from your junior classes also. The relation is 1 upon f is equals to 1 upon v minus 1 upon u. So in this video we will discuss the possibility of images when the object position changes. For example, in case of a convex lens, there are two possibilities when the position of an object changes. One possibility is of real image, the other possibility is formation of virtual image. While in case of a concave mirror, there is only one possibility to form a virtual image. So let's start this video. If you like this video, if you have a little bit of learning through this video, don't forget to like and share this video. So without wasting our time, let's start this video. So start with a convex lens forming real image. हमें मालूम है convex lens के साथ दो possibilities हैं. अगर मैं object के position को change करते हैं हम तो real और virtual images दोनों ही form हो सकती हैं. तो इस case में जब real image form हो रही है तो हमने एक convex lens draw करते हैं और इस convex lens में mark करते हैं principal axis और इस principal axis में मुझे ऑब्जेक्ट मार्क करना पड़ेगा फोकस. सो आई मार्क फोकस ऑन बोथ साइड्स लेफ्ट एंड राइट एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड दिस फोकस. फोकस के बियॉन्ड अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो उस केस में रियल इमेज फॉर्म होती है. और अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में अगर प्लेस करेंगे हम तो वो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल इमेज होगी. तो इसको हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं. ये रे ऑफ लाइट जो इंसिडेंट की हमने फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट व्हिच इज मार्क्ड एज ए बी, दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दिस इंसिडेंट रे विल ऑलवेज पास थ्रू फोकस बिकॉज अ रे व्हिच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज ऑलवेज पास थ्रू द फोकस एज पर द रूल. आपने इसको मार्क किया, दिस वन इज फोकस. नाउ नेक्स्ट रे, नेक्स्ट रे मैंने यहां पे मार्क किया और उसको मैं पास कर रहा हूं थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर. यहां पे जो इमेज फॉर्म होगी वो इमेज होगी ए डैश बी डैश. राइट साइड पे जब भी इमेज फॉर्म होती है वो हमेशा इमेज कैसी होती है, रियल इमेज. और लेफ्ट साइड पे अगर इमेज फॉर्म होगी इन केस ऑफ अ लेंस हमेशा क्या कहेंगे उसको, वर्चुअल इमेज. तो इसके लिए हमें दो ट्रायंगल्स की जरूरत पड़ेगी. मैं इसको इससे कनेक्ट कर देता हूं. अब इसमें मुझे दो ट्रायंगल्स की जरूरत पड़ेगी जिसको मैं सिमिलर प्रूफ कर सकता हूं. उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको ड्राइव करेंगे. फॉर एग्जांपल मैं यहां पे एक ट्रायंगल अज्यूम कर रहा हूं. सपोज मैं योर ट्रायंगल अज्यूम कर रहा हूं, दैट इज ए बी एंड ओ एंड द अदर ट्रायंगल इज ए डैश बी डैश ओ. तो दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के लिए मुझे दो एंगल्स कम से कम चाहिए जो इक्वल में प्रूफ कर सकता हूं. तो मैंने ये ट्रायंगल इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि मैं इन दोनों ट्रायंगल्स में ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हम ले सकते हैं जो इक्वल है दोनों ट्रायंगल्स के लिए. और ये वाला ट्रायंगल, ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर है तो ये 90 और ये वाला भी एंगल 90 होना चाहिए. तो ये ट्रायंगल और सेकेंड ट्रायंगल है हमारा ये जिसे हम लोग सबसे पहले ले रहे हैं. ये ट्रायंगल के इस ट्रायंगल के अंदर दोनों को सिमिलर प्रूफ कर दिया. एक ट्रायंगल में इस एंगल दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, 90 डिग्री. तो किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर दो एंगल्स इक्वल आप प्रूव कर देते हैं तो इट मींस वो दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं. तो मैं यहां पे ले लेता हूं ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ एंड ट्रायंगल ए बी ओ. दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. तो अकॉर्डिंग टू द सिमिलर प्रॉपर्टी, according to the similarity, the ratio of the corresponding sides of the triangle are always equal. A dash B dash upon AB is equals to AB upon BO. A dash B dash upon AB, B dash O, and second one is B dash O and BO. These two triangles are similar. Now, what is A dash B dash? A dash B dash is height of image and this one is height of object.
तो मैं मैग्निफिकेशन अगर हम फाइंड करें तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है, मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे ए डैश बी डैश क्या है हाइट ऑफ इमेज और ए बी क्या चीज है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो मार्क करते हैं फटाफट, ए हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे जो इमेज है वो कैसी है इन्वर्टेड इमेज है, और इस इमेज को हम लोग क्या कहेंगे इस ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे इरेक्ट सिचुएशन में है, प्रिंसिपल एक्सिस से अबव है और ये प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसे हम लोग उसको इन्वर्टेड कह रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग हमेशा पॉजिटिव कंसिडर करेंगे और बिलो वाले पार्ट को हमेशा नेगेटिव कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसमें इस फॉर्मुले में अगर मैं इस वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करता हूँ मैग्निफिकेशन तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इमेज इन्वर्टेड सिचुएशन में, तो मैंने यहाँ पे इसको माइनस से मार्क किया है। अब नेक्स्ट बी डैश ओ की वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं, बी डैश ओ या बी डैश ओ, बी डैश ओ इज द पोजिशन ऑफ पेन इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर while this is the position of object from the optical center which is placed at the left side while the image formation is at right side because we are forming a real image, we are driving for the real image. The m is equals to minus of h I upon h naught, b dash o here is v right side, it means you have to take positive sign, while the object is on the left side we can take here is distance of image as negative from the optical center. So this might be the famous relation that is V upon U, minus sign cancel at both ends and the final result will come at M equals to V upon U. Now we are going to drive, we have to drive the relation that is 1 upon F which equals to 1 upon B minus of 1 upon U. So I mark this equation as again A dash B dash upon AB. A dash B dash, rewriting this equation AB, A dash B dash upon AB is equals to B dash O upon BO. B dash O here is plus B and BO here is minus of U. I'm marking this as equation 1. Now we will take another triangle. That triangle might be, I marked here at this as M, MO, or this triangle ko select kar rahe. Ye triangle aur ye wala triangle. Kyunki ye dono triangle mein bhi mujhe ek part vertically opposite angle mil gaya. To maine yahan pe isko mark kiya. For example, in triangle A dash B dash F, A dash B dash F, and next triangle is MOF, MOF. यहाँ पे MO किस क्या हुआ? ये distance. तो ये distance बिल्कुल same है जैसे कि object. तो MO को मैं replace करके AB भी लिख सकता हूँ. तो यहाँ पे मैं mark कर देता हूँ MO किसके equivalent है? AB के. मतलब height of object. सिमिलर ट्रायंगल्स इसमें भी प्रूव कर सकते हैं, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड दिस वन इज परपेंडिकुलर, दिस वन इज आल्सो परपेंडिकुलर, सो दीस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल्स एंड वी कैन टेक द रेशियोस सेम एज अबव. फॉर एग्जांपल इन केस ए डैश बी डैश अपॉन एमओ इज इक्वल्स टू बी डैश एफ अपॉन ओएफ. आई एम राइटिंग हियर A dash B dash upon MO, A dash B dash, and instead of using MO, I'm writing here as AB is equals to, and what is B dash F? B dash F, V minus, this is the focal length, this is the focal length, V में से हम F को subtract कर सकते हैं, तो V में से हम लोग F को subtract कर सकते हैं. दोनों ही राइट साइड पे, तो V में से हमने F को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिल गया B dash F. Now for OF, OF, OF is the focal length. ये दोनों रिलेशन हमने किसके रिस्पेक्ट में फाइंड किए हैं? A dash B dash upon MO and A dash B dash upon AB. दोनों इक्वेशन, इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन 2 मार्क कर देता हूँ और इन दोनों इक्वेशन को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं.
तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन वन इज वी अपॉन माइनस ऑफ यू एंड नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन इज वी माइनस एफ अपॉन एफ. क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नॉर्मल मैथमेटिक्स इस पे यूज करते हैं. तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करके हम लिख सकते हैं वी एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ यू वी प्लस यू एफ. इस पूरी इक्वेशन को एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में लिखने के लिए हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं यू वी एफ से. इसको भी हम लोग मार्क कर देते हैं यू वी एफ एंड अगेन यू वी एफ. नाउ द रिलेशन कम्स यू वी, दिस इज वन अपॉन यू इज इक्वल टू यू वी कैंसल माइनस ऑफ एफ प्लस यू एंड एफ कैंसल वन अपॉन बी. तो रिलेशन क्या हो गया, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन यू. हियर द रिलेशन कम्स फ्रॉम. ओके, दिस इज फॉर रियल इमेज. एंड इन केस ऑफ अ वर्चुअल इमेज वी कैन ड्रॉ अनदर डायग्राम फॉर द वर्चुअल इमेज एंड राइट द सेम रिलेशन अगेन फॉर वर्चुअल इमेज. तो चलो कॉन्वेक्स लेंस के लिए अब हम लोग वर्चुअल इमेज के लिए यही ड्राइव कैसे कर सकते हैं, सेम ऐसे ही ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करके. फॉर एग्जांपल मैंने कॉन्वेक्स लेंस लिया, प्रिंसिपल एक्सिस फॉर्म की, यहाँ पर फोकस मार्क किया दोनों एंड्स पे और मैं इस बार ऑब्जेक्ट को प्लेस करने वाला हूँ ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के कहीं बीच में. किसी भी इन दोनों के मिड में अगर हम लोग कभी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है. और इसको कैसे हम ड्राइव कर सकते हैं, सपोज मैंने इस ऑब्जेक्ट को प्लेस किया एट सम लोकेशन बिटवीन एफओ फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर. नाउ अरे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज पासिंग थ्रू द फोकस, ऑलवेज पासिंग थ्रू फोकस एंड अरे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन. वी नीड टू ड्रॉ place at the back at some point say this. इसको मैंने mark किया. यहां पे जो image form हो रही है वो image कैसी है, virtual. virtual image को हम हमेशा कैसे dotted line से बताते हैं, क्योंकि हमें trace करने की इसमें जरूरत पड़ रही है. तो आपका object है a b और इसको हमने mark किया a dash b dash. This image is virtual image because it forming behind or on the left side of the convex lens. तो ये image कैसी है? Virtual image. Virtual image. This is virtual image. तो वैसे ही वापस start करते हैं. Object distance and image distance from the optical center. Here it is image distance, so I am marking here with V and the object distance here is U. Okay, so and this is the focal length F. वापस से हमें वही triangle select करने हैं. वो triangle कौन-कौन से होने चाहिए? दो triangles हमें select करने हैं जिस जो दोनों भी similar triangles हो ताकि हम उसके relations ले सकें, उसको use कर सकें. For example मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ ए बी ओ एंड ए डैश बी डैश ओ. तो ए डैश बी डैश ओ ट्राइंगल एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ एंड ए बी ओ, ए बी ओ दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं. क्यों सिमिलर हैं? क्योंकि ए डैश बी डैश ओ ये दोनों सेम एंगल शेयर कर रहे हैं, तो उनके एंगल ये सेम है और ये दोनों एक ट्राइंगल्स के अंदर ये एंगल भी 90 डिग्री है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा वर्टिकली प्लेस किया जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के. तो यहाँ पे ये दो ट्राइंगल्स आपके लिए ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश ओ अपॉन बी ओ. यहां से भी आप मैग्निफिकेशन फाइंड कर सकते हो और मैग्निफिकेशन यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज, यहाँ पे वर्चुअल इमेज है तो हाइट ऑफ इमेज आप क्या कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव. ऑब्जेक्ट भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो भी कैसा कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि दोनों ही किस सिचुएशन में है, इरेक्ट. ऑब्जेक्ट हमेशा इरेक्ट सिचुएशन में होगा और जो इमेज होगी वो डिपेंड करती है आपके ऑब्जेक्ट की पोजिशनिंग पे.
कि आपका ऑब्जेक्ट किस जगह पे प्लेस है, तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है एट फोकस, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। इसकी जो इमेज फॉर्म हो रही है वो लेफ्ट साइड फॉर्म हो रही है, वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है, और इस इमेज को आप क्या कहते हैं, इरेक्ट इमेज कहते हैं। तो ये आप दोनों इसमें पॉजिटिव लेंगे। चलो इसमें लेफ्ट साइड पर मार्क करते हैं। अगर आप इसे मैग्निफिकेशन फाइंड करना चाहते हैं इसके थ्रू, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज हाइट ऑफ इमेज एंड दिस वन इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दिस इज नोन एज मैग्निफिकेशन। तो बी डैश ओ, बी डैश ओ, ए डैश बी डैश, बी डैश ओ इज बी एंड इट इज ऑन द लेफ्ट साइड, सो आई एम मार्किंग हियर विद नेगेटिव साइन। अपॉन बी ओ, बी ओ an object is always placed on the left side, so it is always marked as with the negative sign. So V upon U, this is the magnification. Okay, now I am again writing it with A dash B dash AB is equals to, and here B dash O, B dash O is minus of U and BO here is minus of U. This is equation 1. Now for the second equation, we need to search another triangle which are similar. For example, if we take a triangle as, I'm marking here with M. Now I'm taking triangle MOF and triangle A'B'F, sharing the common angle this. तो नेक्स्ट ट्राइंगल देखते हैं, एन ट्राइंगल MOF, और वी कैन राइट ए डैश बी डैश एफ एंड ट्राइंगल MOF, MOF दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो ए डैश बी डैश एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल MOF। यहां पे लिख लेते हैं ए डैश बी डैश अपॉन MO, MO, लास्ट इक्वेशन में भी हमने यूज किया था MO, क्या चीज है यहाँ पे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम दोनों, तो MO और AB दोनों सेम है, तो मैं यहाँ पे MO की जगह पे इसको रिप्लेस कर रहा हूँ AB से, ताकि हमें दोनों सिमिलर लगे और कंपेयर कर सके, नहीं तो ये कंफ्यूजन हो सकता है कि MO यहाँ पे MO है और यहाँ पे AB, तो ये कैसे कंपेयर कर लिया, यहाँ पे MO और AB दोनों ही सेम है, तो A dash B dash upon AB is equals to MO, A dash B dash upon MO और B dash F upon OF। वापस वैसे देख लेते हैं, B dash F की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, B dash F, B dash F, B dash F, ये सबसे बड़ा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है B और ये है F। लेफ्ट साइड पे आप लेते हैं तो B को आप नेगेटिव कंसिडर करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस ऑफ B, माइनस ऑफ B, और इसमें ऐड कर रहा हूँ मैं F, तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा माइनस ऑफ B एंड प्लस एफ इज बी डैश एफ। ओ एफ की जगह पे क्या लिखे, ओ एफ इज द फोकल लेंथ पॉजिटिव। अब ये दोनों इक्वेशन को हम लोग जब कंपेयर करेंगे, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करते हैं, दोनों इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंड इक्वेशन 2 is B upon U is equals to minus of B plus F upon F, cross multiply करते हैं B F, और उस साइड हम लोग cross multiply कर सकते हैं, B F is equals to minus of U B plus U F। अगेन इसको एक डेफिनेट फॉर्मेट में लेके आने के लिए मुझे इसको डिवाइड करना होगा U B F से, U B F से, U B F से, तो यहाँ पे B और F, B और F दोनों कैंसिल आउट हो गए, फिर 1 upon U is equals to, यहाँ पे U और B कैंसिल हो गए, तो ये हो गया minus of 1 upon F plus UF कैंसिल कर दे, यहाँ पे 1 upon B, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 upon F is equals to 1 upon B minus 1 upon B। तो रिलेशन बार बार सेम होगा, हर बार हम लोग पर सिचुएशन अलग अलग हो सकती है, हमने पहले वर्चुअल इमेज रियल इमेज के लिए फाइन किया था, अब उसी को हम लोग वर्चुअल इमेज के लिए हमने फाइंड किया है, तो कोई भी अगर आपको सिचुएशन दे रखी हो तो आप इजीली उस तरह से इसको ड्राइव कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड एक चीज और, हम अभी कॉन्वेक्स के लिए हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, अब हम लोग इसी को ट्राई करते हैं
कॉनकेव के लिए। कॉनकेव लेंस, और कॉनकेव लेंस सिर्फ वर्चुअल इमेज फॉर्म में होता है, ये हमें मालूम है, सिर्फ वर्चुअल इमेज। और कॉनकेव लेंस हम ड्रॉ कर लेते हैं, कॉनकेव लेंस कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं हम। और यहाँ पे हम प्रिंसिपल एक्सिस मार्क करते हैं, दिस वन इज ऑप्टिकल सेंटर एंड हियर द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इज आई मार्क हियर एट पॉइंट, दिस वन इज ए बी। नाउ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज पासिस थ्रू फोकस, बट कॉनकेव लेंस हमेशा क्या करता है, रेज को डाइवर्ट कर देता है, तो मुझे इसको बैक साइड में ट्रेस करना पड़ता है, और ये बैक साइड में मैंने यहाँ पे ट्रेस किया, तो ये हमेशा कहाँ से पास होगी, थ्रू फोकस, तो मैंने यहाँ पे फोकस मार्क कर दिया। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से, मैंने यहाँ पर मार्क किया है यू, ये फोकल लेंथ एफ ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। अब नेक्स्ट, ऑप्टिकल सेंटर से रे ऑफ लाइट को हम लोग ए से पास करते हैं, तो ये हमेशा कैसे जाना चाहिए, स्ट्रेट लाइन, इसको बैक साइड पे भी ट्रेस करते हैं, तो आपकी इमेज क्या फॉर्म होगी, ये ए बी ऑब्जेक्ट है, और ये दोनों जहां पे मीट कर रहे हैं, दोनों रेज जहां पे लग रहा है कि वो मीट कर रहे हैं, वो हो गया हमारा ए डैश बी डैश। तो लेफ्ट साइड पे फॉर्म हो रही है इमेज कैसी होगी, वर्चुअल इमेज लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन नहीं हो सकती, क्योंकि हम लोगों ने जो लेंस लिया है वो है कॉनकेव लेंस, और कॉनकेव लेंस में एक ही पॉसिबिलिटी है कि वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी, आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन कुछ भी चेंज करें, ऑब्जेक्ट का साइज जो होगा वो चेंज होता रहेगा, पर जो इमेज फॉर्म होगी आपकी, वो इमेज जो ऑब्जेक्ट का साइज आप कुछ भी लें, या फिर इमेज जो आप फॉर्म करने वाले हैं यहाँ पे, वो इमेज ऑब्जेक्ट की पोजिशन के ऊपर डिपेंड करेगी कि उसका साइज कितना होने वाला है, पर एक चीज कॉमन है कि वो सारी इमेजेस कैसी होंगी, वर्चुअल इमेज होंगी। तो इसके लिए हम लोग दोनों ट्राइंगल्स को अज्यूम कर लेते हैं, कुछ ऐसे ट्राइंगल अज्यूम करते हैं जिसमें दो एंगल्स हमें सेम मिल जाए, ताकि हम उनको सिमिलर प्रूव कर सकें और सॉल्यूशन को यूज कर सकें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए बी, मैंने एक ट्राइंगल ये ले लिया और एक ट्राइंगल में ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैं इसको लिख रहा हूँ ए डैश बी डैश ओ एंड ट्राइंगल ए बी ओ, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है 90, this one is also 90, A dash, B dash, O is similar to triangle A, B, O. So A dash, B dash upon A, B is equals to B dash, O upon B, O. Magnification आप लोगों से वैसे ही find कर सकते हो, मैं यहाँ पर magnification find नहीं कर रहा, मैं direct reciprocation को use कर रहा हूँ। B dash, O कैसे लिख सकते हैं, B dash, O is the image distance. यहाँ पे हम लोग पहले मार्क कर लेते हैं कि ये डिस्टेंस कितना है, b लेफ्ट साइड नेगेटिव, b डैश o लेफ्ट साइड में मैं लिख रहा हूं माइनस b, ओके, एंड bo इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आल्सो इन नेगेटिव लेफ्ट डायरेक्शन मार्क विद नेगेटिव साइन, तो b अपॉन u। तो मैग्निफिकेशन में आपको सिर्फ इतना सा लिखना है a डैश b डैश अपॉन ab, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू v अपॉन u, दो माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे, यहां पे आप मैग्निफिकेशन फाइंड कर सकते हो। और इस ट्रायंगल को मैंने मार्क, इसको मैंने इक्वेशन को मार्क किया, इक्वेशन 1, एक ट्रायंगल और ले लेते हैं, कौन सा ट्रायंगल यहां पर सेलेक्ट कर रहे हैं हम, इसको मैंने मार्क किया है सपोज m से, तो यहां पे हो जाएगा a डैश b डैश f एंड ट्रायंगल a डैश b डैश f एंड ट्रायंगल MOF एंड ट्रायंगल MOF। अब a डैश b डैश, a डैश b डैश रिलेशन ले लें, a डैश b डैश अपॉन MO। अब यहाँ पे MO क्या चीज है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ab, बार बार हम लोग लिखने की जरूरत नहीं है, a डैश b डैश अपॉन ab लिख सकते हैं, इक्वल्स टू b डैश f अपॉन OF, b डैश f अपॉन OF। तो a डैश b डैश अपॉन ए बी, अब बी डैश एफ फाइंड करते हैं, बी डैश एफ क्या चीज है यहाँ पे, बी डैश एफ ये दसा पॉइंट, ये बी डैश एफ, अब इसको मैं कैसे फाइंड करें, तो लेफ्ट साइड पे ये आपकी फोकल लेंथ और ये इमेज डिस्टेंस बी, तो एफ में से अगर मैं बी को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो मुझे डिस्टेंस मिल सकता है, तो एफ में से मैंने एफ में से v को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं
बी को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं और साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड दोनों लाइक करते हैं, तो मैंने दोनों सेट में यहाँ पे माइनस साइन से डिनोट कर दिया, दोनों लेफ्ट साइड में है क्योंकि OF कैसे मार्क करेंगे, OF इज द फोकल लेंथ, माइनस फोकल कैंसिल कर देते हैं। तो आपकी ये हो गई इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को कंपेयर कर सकते हैं, तो इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू माइनस साइन कैंसिल कर देते हैं, इजी हो जाएगा हमारे लिए। बी अपॉन यू इज इक्वल्स टू माइनस माइनस यहाँ पे भी कैंसिल हो गया, तो एफ माइनस बी अपॉन एफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं फटाफट, बी एफ इज इक्वल टू यू एफ माइनस ऑफ यू बी माइनस ऑफ यू बी, यू बी एफ से डिवाइड कर दें, बार बार हम लोग एक ही सेम स्टेप्स यूज कर रहे हैं, यू बी एफ से हम डिवाइड कर रहे हैं ताकि वो सोल्यूशन से मैच हो सके, यू बी एफ यू बी एफ फ्रैक्शन के फॉर्म में, बी एफ को आपने कैंसिल कर दिया, बी एफ को कैंसिल कर दिया, दिस इज वन अपॉन यू, U और F को आप यहाँ पे कैंसिल कर रहे हैं 1 upon B, and U और B को आप कैंसिल कर रहे हैं 1 upon F, तो 1 upon F is equal to 1 upon B minus 1 upon U, ठीक है। तो आपका ये रिलेशन वापस से इस बार कॉन्केव लेंस के लिए, वर्चुअल इमेज के लिए आपने जो फॉर्म किया वो रिलेशन भी सेम आएगा, रिलेशन हमेशा सब में सेम होगा, बस सिचुएशन चेंज होगी कि आपको एग्जाम में सिचुएशन क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको ये रिलेशन को ड्राइव करने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा एक चीज और, मैग्निफिकेशन की जब हम लोग बात करते हैं, अगर मैग्निफिकेशन सपोज लेस देन वन है, लेस देन वन मैग्निफिकेशन हियर इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, एम इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर मैग्निफिकेशन लेस देन वन है, लेस देन वन है इसका मतलब क्या हुआ, इमेज जो आपकी फॉर्म हो रही है वो लेस है, छोटी है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे अगर लेस देन है इसका मतलब जो इमेज फॉर्म हो रही है वो डिमिनिश्ड है, इमेज डिमिनिश्ड छोटी है, डिमिनिश्ड, अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन वन है तो इमेज कैसी होगी, इनलार्ज, अगर मैग्निफिकेशन सपोज पॉजिटिव गिवन है आपको, मैग्निफिकेशन सपोज गिवन है प्लस वन और प्लस टू और प्लस थ्री, तो उस केस में क्या होगा, अगर मैग्निफिकेशन सपोज पॉजिटिव आपको गिवन है तो इसका मतलब क्या होगा कि आपकी जो इमेज है वो इमेज कैसी है, वर्चुअल है, और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होगी, देखो यहाँ पे वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होगी, इरेक्ट होगी, तो वर्चुअल है और इरेक्ट है, एंड इरेक्ट, अगर मैग्निफिकेशन सपोज नेगेटिव गिवन है आपको तो क्या होगा, इमेज इज रियल, और रियल इमेज हमेशा कैसे होती है, इनवर्टेड, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव गिवन है आपको, तो इससे एक पॉइंट और लिख सकते हैं, मैग्निफिकेशन सपोज वन है, अगर मैग्निफिकेशन सेम है तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों सेम होने चाहिए, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो यहां पे तो आप देख सकते हो कि साइज ऑफ इमेज किसके इक्वल है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ रियल इमेज कब होगी, अगर वो रियल इमेज है तो इसका मतलब हमेशा इन्वर्टेड होने वाली है, अगर वो वर्चुअल इमेज है तो वो हमेशा इरेक्ट होने वाली है, साइज अगर दोनों का सेम है तो आप बताएंगे कि वो जरूर कहां पे रखा होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ऐसा पॉइंट है जहां पे दोनों का साइज सेम होता है, मैग्निफिकेशन अगर आपको लेस देन वन है मतलब नेगेटिव में अगर गिवन है तो इसका मतलब डिमिनिश्ड इमेज है, मैग्निफिकेशन अगर ग्रेटर देन वन है तो इसका मतलब वो रियल इमेज है। अब इन सारे जो डेरिवेशंस को हमने ड्राइव किया है उसके लिए कुछ अजम्पशंस हमने लिए, वो अजम्पशन कौन कौन से हैं हम एक बार वन बाय वन उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो है मैग्निफिकेशन आपने यहाँ पे कंसिडर किया, यहाँ पे या फिर हम लोग ऐसे कहें कि जो मैग्निफिकेशन हम जो assumptions यूज कर रहे हैं इन सारी चीजों के लिए, इन डेरिवेशन के लिए, वो सबसे पहला है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा है, हमने ऑब्जेक्ट का साइज कंसिडरिंग बहुत स्मॉल इमेजिन किया है और उसी से रिलेटेड ये सारे डेरिवेशन किए हैं। दूसरा जो आपका इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे है, यहाँ पे इंसिडेंट रे कौन सा हो गया, ये आपको इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से, हमने इसको पीछे बैक साइड में ट्रेस किया, इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से
और रिफ्रैक्टिव रे प्रिंसिपल एक्सिस से ये दोनों ही जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं वो बहुत छोटे हैं, क्योंकि आपका जो लेंस है वो बहुत थिन है, आपका जो लेंस है वो बहुत थिन है, तो जो ऑब्जेक्ट हमने कंसिडर किया वो भी छोटा कंसिडर किया है, जो एंगल्स ये फॉर्म कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वो भी बहुत छोटे हैं, बहुत स्मॉल साइज है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसका जो अपर्चर हमने लिया है वो अपर्चर भी बहुत छोटा है। तो ये सारे जो डेरिवेशंस हैं इन अजम्पशंस पे बेस्ड होंगे रे ऑप्टिक्स के अंदर। सारे डेरिवेशंस को करने से पहले आपको इनके अजम्पशंस को एक बार समझना होगा, क्योंकि हम लोग इसके अंदर एंगल्स को हमेशा इग्नोर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 थीटा हम लोग ले रहे हैं तो हम लोग थीटा ही कंसिडर करते हैं क्योंकि ये एंगल बहुत स्मॉल है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ी सी भी लर्निंग हुई है इस वीडियो से तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।